26 plus 8 will give you 34. 34 plus 7 will give you 41, and at last 41 plus 2 will give you 43. So cumulative frequency आपने have calculated. कर ली. अब हम क्या करेंगे? Q1 और Q3 find out करेंगे. Let us start with that. To find out Q1, सबसे पहले आप क्या करोगे? Size of n plus 1. अपॉन फोर्थ

सो so, आपका Q1 क्या हो जाएगा 20 सो so, योर Q1 वन विल बी ट्वेंटी हमारे पास Q1 आ गया नेक्स्ट हम क्या करेंगे Q3 थ्री कैलकुलेट करेंगे सो द फॉर्मूला विल बी साइज ऑफ थ्री एन प्लस वन अपॉन फोर्थ आइटम अब यहां पे हम क्या करेंगे थ्री इन टू फोर्टी थ्री प्लस वन अपॉन फोर्थ आइटम so this will give you 3 into 44 that will be 132 upon 4 so the final answer will be 33 item ab dekho अब देखो pe jao पे जाओ aa raha hai आ रहा है kya karoge तो क्या करोगे आपका jayega 40 क्या हो जाएगा so Q3 की value hai yahan pe की वैल्यू है यहाँ पे फोर्टी अब हमारे पास क्यू वन आ गया है और क्यू थ्री आ गया है नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला में सबसे पहले क्या बोला है इंटर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो इंटर क्वार्टाइल के लिए आप क्या करोगे Q3 थ्री माइनस क्यू वन इन दिस केस इट विल बी फोर्टी माइनस ट्वेंटी सो योर फाइनल आंसर विल बी ट्वेंटी ये आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज नेक्स्ट क्या बोला है क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई टू सो दिस विल बी फोर्टी माइनस ट्वेंटी

आपका आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी वेन यू सॉल्व दिस यू गेट द फाइनल आंसर दिच इज सो वी आर डन विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना देन यू मूव ऑन टू क्यू वन एंड क्यू थ्री जो भी आपका साइज आएगा यहाँ पे तो वो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आप देखोगे एंड देन एक्स जहां पे वो वैल्यू आ रही है वो एक्स आपका क्यू वन बन जाएगा तो यहां से हमने क्यू वन और क्यू थ्री निकाला देन द बेसिक थिंग आप फॉर्मुला लगाओ और आप अपना आंसर निकालो लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज स्टार्टिंग विद द विदेंड न्यूमेरिकल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज आपको एक्स और एफ दिया हुआ है सबसे पहले क्या करोगे सी एफ कैल्कुलेट करोगे विच इज क्यूम फ्रीक्वेंसी सबसे पहले क्या है फिफ्टीन है तो दिस विल बी फिफ्टीन नाउ फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी विल गिव यू थर्टी फाइव

will give you 177 next 177 plus 12 will give you 189 and 189 plus 10 तो हमारा आ गया final 199 अब cumulative frequency तो हमने निकाल ली हमें क्या चाहिए Q1 और Q3 चाहिए पहले so let us start with Q1 and Q3 सबसे पहले हम क्या find out करेंगे Q1 तो Q1 का formula यहाँ पे लिख दो size of एन प्लस वन अपॉन फोर्थ आइटम ये फॉर्मूला मैं खुद के लिए नहीं लिख रही हूं आपके लिए लिख रही हूं आपको याद रहना चाहिए थरो हो जाओ फॉर्मूला के साथ में ऑलरेडी मीन मीडियन मोड कर चुके हो क्वार्टाइल कर चुके हो नाउ हमारे पास एन क्या आ गया है वन तो नाइन यहाँ पे वन नाइनटी नाइन प्लस वन अपॉन फोर तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड बाय फोर विच विल गिव यू फिफ्टी आइटम अब देखो यहाँ पे फिफ्टी एथ आइटम है दैट मीन्स फिफ्टीन में नहीं आएगा थर्टी फाइव में भी नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा इस ग्रुप में तो आपका जो Q1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी वन फिफ्टी टू यहाँ पर नोट डाउन कर लो नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है Q3 Q3 की फॉर्मूला क्या है ये मैं खुद के लिए नहीं लिख रही हूँ आपके लिए लिख रही हूँ थारो हो जाओ अभी एन प्लस वन अपॉन फोर्थ आइटम बाहर थ्री लगाना नहीं भूलना है ठीक है ये हो गया अब क्या करोगे यहाँ पे थ्री देन वन नाइनटी नाइन प्लस वन यहाँ पे लगाओ वैल्यू अपॉन फोर्थ आइटम दिस विल बी थ्री इंटू टू हंड्रेड तो हो जाएगा सिक्स हंड्रेड अपॉन फोर विच विल गिव यूटी एथ आइटम अब देखो वन फिफ्टी एथ कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे भी नहीं आएगा यहाँ पे भी नहीं आएगा दैट मीन्स ये वैल्यू ये जो ग्रुप है हमारा क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे आ रहा है वन फिफ्टी सेवन दैट मीन्स आपका जो क्यू थ्री है वो हो जाएगा वन फिफ़्टी फाइव यहाँ पर नोट डाउन कर लो क्यू थ्री विल बी वन फिफ्टी फाइव तो हमारे पास में क्यू वन की वैल्यू आ गई है और ये रही हमारी क्यू थ्री की वैल्यू भी आ गई है सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे इंटर क्वार्टाइल. इंटर क्वार्टाइल के फॉर्मूला में क्या आता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन तो क्यू थ्री क्या है वन फिफ्टी फाइव और क्यू वन है वन फिफ्टी टू दिस विल गिव यू थ्री अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यू डी विच इज़ क्वाटायर डेविएशन क्यू थ्री माइनस क्यू वन बाई टू दैट इज वन फिफ्टी फाइव माइनस वन फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई टू दिस विल गिव यू थ्री अपॉन टू द आंसर विल बी वन पॉइंट फाइव ये आपका आ गया क्यू क्वाटायर डेविएशन अब हमें क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ क्यू डी को एफिशियंट ऑफ क्यू डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन दैट इज वन फिफ्टी फाइव माइनस वन फिफ्टी टू अपॉन वन फिफ्टी फाइव प्लस वन फिफ्टी टू दिस विल गिव यू थ्री अपॉन थ्री हंड्रेड एंड सेवन जिससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन एट सो दिस इज योर फाइनल आंसर अब देख लो यहाँ पर भी हमने क्या देख लिया डिस्क्रीट सीरीज हमारा हो गया है ख़त्म सबसे पहले क्यू वन और क्यू थ्री कैलकुलेट करोगे क्वार्टल डेविएशन है तो उसके बाद में इंटर क्वार्टल आपका क्वार्टल डेविएशन ये रहा और अपना को एफिशियंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए फर्स्ट स्टेप है आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना वो भूलना नहीं है नाउ देट इज़ मूव ऑन विद द कंटिन्यूस सीरीज